गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी सेठी और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे इंस्टाग्राम देख रही थी और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए न्यूज़ आई, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि शेन वॉन इस दुनिया में नहीं रहे। ये न्यूज़ सुनते ही बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो एकदम से आ गए सामने। पूरा बचपन आई वुड से कि घर में मैंने ये नाम इतना सुना है और मेरा भाई माय ब्रदर हु लिव्स इन आयरलैंड नाउ, मेरा भाई शेन वॉन का बहुत बहुत बड़ा फैन रहा है, इनफैक्ट अभी भी है। और मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको कॉल करने की क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो काफ़ी सैड होगा। तभी मैंने सोच लिया कि ये जो फीलिंग है व्हाई नॉट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो हमारा बचपन नाम सुनते थी अपने भाई से शेन वॉन का। और मेरे पापा और ब्रदर जब भी क्रिकेट खेलते थे तो मेरा भाई जो है वो हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता था शेन वॉन को। उनका इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट जागा क्रिकेट के अंदर और तभी आज बीइंग अ गर्ल मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ विच इज़ क्वाइट ऑड। मेरे क्रिकेट में इंटरेस्ट आने की शुरुआत हुई थी शेन वॉन से। भाई देखता था और भाई फॉलो करता था, धीरे धीरे मैं भी फॉलो करने लगी क्रिकेट को। बहुत ही कई बार तो घर के अंदर ऐसा भी होता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता था और मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा होता था। सो दैट्स द पावर ऑफ शेन वॉन, ही हैड सच अ करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कि हम एक दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं और हम एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उसके अंदर एक हमारा एक ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेवरेट है। Shane Warne was not only a greatest of all times, not only a goat, what we call it, but he was a character. A character which with a different personality. He was not only a good player, लेकिन जो उनका charm था, जो उनका outspoken nature था, जो वो कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते थे, जो उनका style था, वो cream लगा के match खेलना और कुछ भी बोल देना, वो उनका जो ग्लासेस लगाते थे, व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वॉज। जैसे वो अपील करते थे, जो वो कैरेक्टर थे, जो उनका एक प्ले बॉय का इमेज था एक चॉकलेट बॉय के साथ साथ, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है ऐसे कि तुम एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक प्लेयर हो। और ये थे शेन वॉन, ही वॉज अ पैकेज इन हिमसेल्फ। और आज एक एरा का एंड हुआ है विच इज नॉट अ हैप्पी फीलिंग एट ऑल। विक्टोरिया में पैदा हुए, मेलबर्न में रहे, मेलबर्न से खेले और ऐसा खेले कि हम सबके दिलों पे राज कर रहे हैं आज भी। थोड़े दिन पहले ही मैं उनका इंस्टाग्राम का पोस्ट देख रही थी, मेरे बेटे की जिस दिन बर्थडे है उस दिन उन्होंने अपना पहला मैच खेला था। तो जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था उस दिन ऐसे ही मैं रिसर्च कर रही थी कि क्या क्या स्पेशल चीज़ें हुई हैं। और उस दिन मुझे पता चला कि उन्होंने पहला मैच, वो जो उनका विक्ट्री का मैच था जनवरी में, वो उन्होंने उस दिन खेला था। तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन छूट के उनसे कनेक्ट हुआ। ही वॉज अ ग्रेट लेग स्पिनर, ये तो सारी दुनिया ही जानती है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी वो 10 बॉले जिनको जिन बॉलों ने उनको एक लेजेंड बना दिया। Throws one out wide into the rough. Look at that turn back. That's an absolute beauty. And Prasad. It's a terrific delivery. We talk about action on the ball. Spinning it when that happens, he goes round the back.
from Shane Warne, clipping the top of off stump. That's absolutely exactly what the Australians needed. It hits the top. The bowling man's legs. Beautiful bowling. Superb control. Bowler just lunging forward. Spun enough to take leg stump. 80th wicket in 2000. Passed him and knocked over the leg stump. Hell. That is. He really does have a bogey with this test century. He was playing well enough to get a test century today. That one spun a long way. Test cricket in England for Shane Warne. He's done it. He started off with, and that's all it needed. Well, that has turned about 2.5 feet. Gatting can't but well outside. Oh, yes! What a beauty. A quicker, flatter ball, and it did side and trajectory. Shane Warne, he can bring things in out of nowhere. Magnificent piece of bowling from Warne. There's Milish, but he did here. Real side spin from Warne, maximum side spin. And bowling him behind his legs, not just bowling him behind his legs, but bowling him middle stump behind his legs. Ye the Shane Warne. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब से ये गेम बनी है वर्ल्ड में क्रिकेट की, जो कोई टॉप बॉलर्स है, टॉप फोर बॉलर्स अगर मैं सोचूं तो वो थे अनिल कुंबले, मुरलीधरन, शेन वॉन एंड सकला मुस्ताक. इन चार को अगर आप ले लें तो ये किसी भी टीम को खा सकते हैं. मतलब अगर आप एक टीम बना रहे हो और उसमें ये चार बॉलर्स हैं तो बस फिर तो आपकी जीत निश्चित है. मतलब देन योर विन इज फाइनल. अगर इनमें से भी मैं रैंक करूं तो फर्स्ट नंबर पे मैं सोचती हूँ थे मुरलीधरन. पर्सनली मुझे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन टीम को खा जाते थे. सेकंड इज शेन वॉन. उनको अगर मैं दो वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो वो रहेंगे करिश्मेटिक, स्टाइलिश एंड ग्रेटनेस. अनिल कुंबले को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, मैं रैंकिंग से पता नहीं क्यों डिस्क्रिप्शन में आ गई. अनिल कुंबले को अगर मैं रैंक करूं तो वो होंगे प्रेजिस्टेंस एंड डेडिकेशन. और सकलेन को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वो होंगे आर्टिस्ट. तो दोस्तों वीडियो एंड करूंगी मैं यहीं पर ही. बहुत हैप्पी फीलिंग नहीं है आज, इनफैक्ट दिल थोड़ा सा भारी ही है. बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हो गई हैं. अपनी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहती थी शेन वॉन को, तो ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली उसी के लिए ही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.